बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, तरह आप लोग को खुशी रखे। दही जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग घर पे ही दही लगाते हैं, लेकिन आजकल दूध वाला जो है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो है वो बाज़ार से ला रहे हैं। तो ये जो दही है ये माशाल्लाह से इतने मज़े का दही है, और मैं आप लोग को बता सकती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि फुल जो दही है वो मलाई से भरा हुआ है और माशाल्लाह से बहुत मज़े का दही है और बहुत मज़ा आ रहा है खाकर। दही जो है वो बहुत ही मीठा है, मज़ेदार है माशाल्लाह। ये जो ऑयल है ये मेरा भाई लेकर आया है। इसको आजकल जो है वो बाल लंबे करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये जो है वो ऑयल लेकर आया है। तो ये जो है जी बाल लंबे करने के लिए जो है वो ऑयल है, मैन वुमेन दोनों के लिए। तो ये जो है वो उसको लेकर आया, तो वो मैंने कहता है चेक करो, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं खोलती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो सरसों का तेल ज़्यादातर लगाते हैं और इन चीज़ों का तो मुझे नहीं आइडिया। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक। तो इसकी जो प्राइस है वो 250 है। तो ये मेंशन हुआ है कि इसको जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो लगाना है। और साथ इसके जो है ये देख सकते हैं कैप्सूल हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को पता होगा ये क्या चीज़ है और इसमें ये कैसे यूज़ होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से जो है ये सील हुआ हुआ है। और अगर आपको जो ब्लू से कलर कैप्सूल से नज़र है इसके बारे में पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो अभी जो है वो मेरा चिप्स खाने का बहुत दिल कर रहा था, फूफो भी कह रही थी मुझे भी चिप्स बना कर दो, तो फिर मैंने कहा चलो जो है वो चिप्स बनाते हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो आलू जो है वो छीलते हैं, उसके बाद जो है वो चिप्स बनाते हैं। आलू जो है वो हम लोगों ने छील लिए हुए हैं, अब जो है वो इसकी कटिंग करते हैं, फिर चिप्स बनाएंगे। चिप्स जो है वो हमारी कट चुकी है, इसको जो है वो हम अच्छी तरीके से धो लेंगे, उसके बाद जो है वो चिप्स बनाएंगे। ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल लिया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर जो है वो हम लोग एक चिप्स प्लेट डाल के देखेंगे। अगर वो होगी, अब देखें ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, हम जो है वो डालते हैं इसके अंदर माशाल्लाह। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिल सके। जी तो चिप्स होगी हमारी रेडी, तो पहले जो है वो फूफो को देंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग खाएंगे। फूफो जो है वो ब्राउन जो है वो करके चिप्स खाती हैं, फूफो ऊपर है तो उनको चिप्स देते हैं। तो ये जो है वो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं खाती, मैं लाइट लाइट ही खाती हूँ। तो ये देख सकती हैं साथ मेयोनीज लिए हैं। ये जो है ये काम बहुत ज़रूरी था, चिप्स वगैरह सारा कुछ खा खुल गया, अब जो है वो काम की बारी है। तो ये इस्त्री का जो था वो सूच उतरा हुआ था,
तो अम्मी मुझे कह रही थी ये लगा दो, मैंने कहा अच्छा अम्मी लगा देती हूँ, फिर मैंने सोचा अब लगा ही देती हूँ, लगाना तो है ही। तो मुझे जो है वो ऐसे काम करने का बहुत शौक है, इसलिए जो है वो मैं इन कामों में जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी लेती हूँ। कोई भी चीज़ हो ना, वो घर की कोई ख़राब हो तो मैं स्विच वगैरह कुछ भी, तो वो मैं ठीक कर लेती हूँ। छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं खुद ही कर लेती क्योंकि मुझे शौक है इस चीज़ का। तो स्विच तो ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बस ना उसकी तार से निकल गई थी। तो आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ हैं तो उसमें इस्त्री की काफ़ी ज़रूरत होती है, कपड़े वगैरह इस्त्री करने होते हैं, तो इसके लिए फिर जो है वो स्विच सही करना ज़रूरी था। तो ये देखिए स्विच जो है वो हमारा ठीक हो चुका है। अभी चीज़ ठीक करनी है वो लॉक लगाने हैं, वो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। ये देखें ये जो है वो बेड के, ये पहले अम्मी का बेड है, तो पहले जो है वो ऐसे बेड चलते थे, तो इनके ना ये दराज हैं, तो ये लॉक जो था वो लगा हुआ था, लेकिन जो इसकी की थी ना वो गुम हो चुकी थी, ये लॉक था। तो इसको जो है वो चाचू ने तो है वो निकाल दिया था, तो फिर वो लॉक ले आए थे, तो वो कहते थे कि तुम खुद ही लगा लेना। मैंने कहा ठीक है लॉक तो मैं लगा लूँगी, आसानी है लगाना। तो ये अब न्यू लॉक लेकर आए हैं, दो लगाने हैं, एक इधर और एक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये दो लॉक्स हैं, ये जो है वो इस पे लगाते हैं अभी, इनके बगैर ना गुजारा नहीं। तो वैसे भी ये बुरे लगते हैं लॉक से, ये क्योंकि दरवाजे जो है वो बंद भी हो जाएंगे, और अगर चीज़ वगैरह कोई रखनी हो तो उसको इंसान रख के लॉक भी लगा लेता है। तो ये देखें ये जो है वो हम अब लगाते हैं इसके, इसको अलहमदिल्ला लॉक जो है वो हमारा लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आप जो है इसको की लगा के चेक करते हैं कि ये जो है वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं, दरवाज़ा जो है वो लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखें भी लगा के चेक करते हैं इसको, तो ये हो गया। और ये दूसरा जो मैं लॉक की बात कर रही थी वो इसको लगाया है। ये जो कल मैंने डोर को पेंट किया था ये मैं ऊपर रख दिए थे इसको साइड पे अंदर कमरे में, तो ये सूख चुके थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब ये जो है पेंट तो सूख गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो ऑयल लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा गंदा गंदा हुआ हुआ है। तो ये जो है सिर्फ वो ऑयल लगाने से क्योंकि थोड़ा शाइन करने शुरू हो जाएगा। तो अब जो है वो मैं रफ सा कपड़ा था तो उसके ऊपर जो है वो ऑयल लगाएंगे सरसों का, ये लगाने से ये हुआ कि जो ड्रॉर हैं ये शाइन करेंगे और थोड़े प्यारे हो जाएंगे। तो ये यूज़लेस थे जिसको जो है वो हम लोगों ने नीट कर लिया है माशाल्लाह से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को मेकअप इसके अंदर रख कर दिखाऊंगी, और मेकअप जितना भी मेकअप है वो उसका टूर करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, उसको लाइक भी करना है। अब जो है इसके दरमियान पेपर लगाते हैं, ये मेरे पर पेपर पड़ा हुआ था कलरफुल सा, तो मैंने सोचा जो है इसके अंदर जो है वो लगा देते हैं, इससे जो है इस ड्रॉअर की जो है वो लुक निकल आएगी और काफ़ी जो है वो अच्छा लगेगा। तो अब जो है इसको मार्क करके तो इसकी कटिंग कर लेंगे, यूँ जो है वो हम लोगों ने कटिंग कर ली है। अब जो इसके अंदर रख के देखेंगे ये पूरा आ गया कि नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना प्यारा जो हमारा ड्रॉअर है वो लग रहा है। ऐसे ही जो है वो तीनों ड्रॉअर पर पेपर लगा लेंगे, पेपर जो है वो मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब जो है वो तीनों ड्रॉअर पे ऐसे ही जो है वो पेपर लगा लेंगे, माशाल्लाह कितने देखें खूबसूरत लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत जो है वो हमारी रंग ले आई है, तो ये देखें माशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर मेकअप सारा सेट करूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी, मेकअप का टूर भी कराऊंगी और साथ जो है इसको सजी दे रख कर आप लोग को दिखाऊंगी भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो है वो वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगेगी इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये देखें अब जो है वो हम ड्रॉअर लगा देते हैं वापस, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया आया था मुझे, और ये देखें आइडिया जो है वो हमारा काम भी कर गया है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह।
वो डॉट जो है वो रिपेयर भी हो चुके हैं। मैंने रिपेयर की वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।